हेलो दोस्तों, एस एस सी ई डी के मेडिकल में बहुत सारे चेकअप होते हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन वेरिकोज वेंस को लेकर के कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे पैर की नसें उभरी हुई हैं, तो कहीं ये वेरिकोज वेंस तो नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वेन वेरिकोज वेन होती हैं और कौन सी नॉर्मल वेन होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी और इमेज भी दिखाऊंगा वेरिकोज वेन की, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वेरिकोज वेन क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। वेरिकोज वेन बढ़ी हुई नसें होती हैं, यानी वेरिकोज वेन की जो लंबाई है वो नॉर्मल वेन की लंबाई से ज़्यादा होती है। कोई भी नसें वेरिकोज वेन हो सकती हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित नसें आपके पैरों और पैरों के पंजों में होती हैं। इसका कारण यह है कि खड़े होने और घूमने से आपके निचले शरीर की नसों में दबाव बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन आमतौर पर त्वचा की सतह के नीचे उभरती हुई नीली नसें दिखती हैं। यह लगभग हमेशा पैर और पंजों को प्रभावित करती हैं। सूजी और मुड़ी हुई नसों को कभी कभी स्पाइडर वेन कहा जाता है। बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि भाई हमारे सपोज़ पैर के ये दो पॉइंट हैं, ए और बी, इनके बीच में ये एक वेन है, एक नस है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो जब तक ये स्ट्रेट जा रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले से चाहे ये उभरी हुई क्यों ना हो या नीली क्यों ना दिखती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो होगा क्या कि भाई इसको ए और बी पॉइंट के बीच में ही रहना है, लेकिन अब ये लंबी हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से मुड़ मुड़ के ए से बी पॉइंट तक पहुँचेगी। और अगर ये मुड़ मुड़ के ए से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसके कुछ जो उभरे हुए हिस्से हैं वो हमारी जो त्वचा है उससे बाहर निकल के आपको दिखाई देंगे। तो ये वेरिकोज वेन होता है। ठीक है, अब इमेज से समझ लेते हैं। अब दोस्तों, ये इमेज आपको दिख रही होगी, इस इमेज में इधर साइड नॉर्मल वेन है और इधर साइड वेरिकोज वेन है। नॉर्मल वेन की आपको लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी और वेरिकोज वेन की लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी, जो लगभग नॉर्मल वेन की डबल हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पाँव है इसमें जो वेरिकोज वेन है वो लंबाई बढ़ने की वजह से वो मुड़ मुड़ के नीचे आ रही है। और इस वजह से हो क्या रहा है कि जब इसकी लंबाई बढ़ गई है तो ये त्वचा से कुछ इस तरीके से उभर के बाहर आ रही है, तो ये होती है वेरिकोज वेन। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देख लो आप। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नस है ये डायरेक्टली आपको दिख रही होगी, ये क्या है, वेरिकोज वेन है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आपको एक नस दिख रही होगी। आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो नस है वो यहाँ पर पीछे की तरफ है, और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे नसें हैं जो वेरिकोज वेन हैं, और आगे यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी सारी वेरिकोज वेन हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है कि वेरिकोज वेन आपके शरीर में कहीं पर हैं या नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि कहीं मेरे शरीर पर वेरिकोज वेन तो नहीं है। और अगर वेरिकोज वेन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वेरिकोज वेन है तो आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 से 2 महीना है। अब दोस्तों, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि एस एस सी जी डी के मेडिकल में वेरिकोज वेन की वजह से रीमेडिकल कब मिलेगा, यानी कितनी वेन होने पर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब वेन का गुच्छा हो या बहुत सारी वेन हो तभी रीमेडिकल मिलेगा। ये एक काफ़ी बड़ी बीमारी है, अगर एक वेरिकोज वेन भी है तब भी वो आपको रीमेडिकल दे देंगे, क्योंकि इसका जो इलाज है वो काफ़ी लंबा होता है और आसानी से होता भी नहीं है, काफ़ी टाइम तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो अभी आपके पास टाइम है, एक बार दिखा दो डॉक्टर को, और अगर वेरिकोज वेन है तो इलाज करा लो। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए, जय हिंद।